नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं अरुण कुमार एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। और पहले तो ये है कि कल मैं किसी कारण से क्लास नहीं ले पाऊंगा ले पाया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है। और रोज की तरह आपको पता है कि मैं अरुण कुमार रात 8 बजे है ना MPG के मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और रात 8 बज गए हैं। आपको पता है ये समय है मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का, जिसका पूरे सिलेबस में हमें PPSC में 1 यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 एवं यूनिट नंबर 5 से जो है MPGK का संबंध है, तो ये यूनिट देख रहे हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने जो MB में पढ़ा है वो ज्योग्राफी पढ़ा है, हमने पॉलिटी पढ़ा है, हमने इकोनॉमी पढ़ा है, हम आर्ट एवं कल्चर वाला पार्ट देख रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा पार्ट बचा है वो हिस्ट्री बचा हुआ है। तो अभी हम लोग आर्ट एवं कल्चर देख रहे हैं। और आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है तो मध्य प्रदेश के साहित्य का एवं उनकी कृतियों से संबंधित है ये टॉपिक। और अभी तक हमने प्राचीन काल में जितने भी साहित्यकार थे उनकी, मध्यकालीन में जितने भी साहित्यकार उनकी कृतियाँ वो, और आधुनिक साहित्यकारों में एक लंबी लिस्ट थी आधुनिक साहित्यकार की, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश का लोक साहित्यकार, और साथ ही साथ जितनी भी संस्थाएं होंगी अदर इससे संबंधित आर्ट एवं कल्चर से, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयार होंगे, तो फटाफट चैनल से जुड़ जाइए। और जो चैनल की लिंक है, जितने लोग जुड़ गए हैं चैनल लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग क्लास को शुरू कर पाए। फटाफट ये काम 1 मिनट के अंदर कर दीजिए, फिर उसके बाद हम टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो रेडी आप लोग। हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश का साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैंने पहले बताया प्राचीन कालीन जो भी इतिहासकार साहित्यकार हैं उनके संबंध में, मध्यकालीन जो भी साहित्यकार उनके संबंध में, आधुनिक साहित्यकार हैं उनके संबंध में। अब जो देख रहे हैं हम लोग, आज देखेंगे लोक साहित्यकार, ठीक है। कालिदास के संबंध में हम लोगों ने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, है ना। इसके अलावा इनके नाटक वगैरह भी, अब ज्ञान शाकुंतलम, मालविका, अग्निमित्रम, ये हम लोगों ने चर्चा कर ली। विक्रमोर्वशीयम, खंडकाव्य, ऋतु संहार, मेघदूत, याद रखना पत्रहरि के संबंध में भी हमने देख लिया। इनका शतक त्रय के नाम से जानते हैं क्यों, क्योंकि इनके 3 शतक लिखे, श्रृंगार शतक, नीति शतक एवं वैराग शतक। बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबारी को, जो बहुत फेमस ये टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन MPPSC लगातार पूछ रहा है। भभूति, जिनको हम भारती मिल्टन के नाम से जानते हैं उनके संबंध में, साथ ही साथ राजशेखर है ना, इनके संबंध में जानकारी ली है। केशवदास के संबंध में हम लोगों ने काफी कुछ कर लिया। इसके अलावा जो हम लोगों ने पद्माकर के संबंध में भी, भूषण के संबंध में, राजा भोज, आधुनिक साहित्यकार में माखनलाल चतुर्वेदी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। मैंने पहले बताया कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं,
ठीक है। इसके अलावा गजानन माधव मुक्ति बोध के संबंध में भी हम लोगों ने काफी कुछ बात कर ली है, सुभद्रा कुमारी चौहान के संबंध में हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर कोई डाउट या कोई परेशानी या कोई सवाल हो आपके, तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर कर देंगे, तो आपको डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। हरिशंकर पारसाई के संबंध, शरद जोशी के संबंध में भी हमने कल चर्चा की, बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है। इसके अलावा भवानी प्रसाद मिश्रा और मुल्ला रमूजी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बाल कवि बैरागी है ना, नंद राम दास, ये क्वेश्चन पूछा गया, इनका वास्तविक नाम पूछ लिया गया था है ना, ये क्वेश्चन बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम पूछ लिया गया। तो कितने गहरे क्वेश्चन, कितने डीप क्वेश्चन आते हैं, इससे आपका अंदाजा लग जाएगा। इसलिए कोई भी एक ऐसी चीज जो हम मिस करेंगे वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी, तो हमें कुछ भी मिस नहीं करना है। ठीक है, श्री राम परिहार, अमृतलाल बेगड़, अशोक वाजपेयी, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर यहाँ तक, अभी मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अगर आपके कोई सवाल हो या आपके कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सॉरी। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के जो लोक साहित्यकार हैं वो वाला सेक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे लोक कवि जगनिक को। ठीक है, इनका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाला एरिया से है। तो आपको मध्य प्रदेश का हमने मैप दिखाया है, पहले फिर से एक बार दिखा देता हूँ। है ना, कुछ ऐसे मध्य प्रदेश है जिसमें से ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा बुंदेलखंड में आता है। तो इस रीजन में जो है इनका संबंध है लोक कवि जगनिक का। मैप के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ तो आपको एक चित्र जरूर बना होना चाहिए आपके दिमाग में। तो बुंदेलखंड से मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार का जन्म है किनका, जगनिक का। याद रहेगा इनकी प्रमुख रचना सबने सुनी होगी आलाखंड। क्या है इनकी प्रमुख रचना, आलाखंड। इसमें कितने खंड है, 52 खंड है। कितने खंड है, 52 खंड। अच्छे से याद रखना है आपको लोक कवि जगदीक के विषय में, है ना, इनका आलाखंड है, 52 खंड है इसमें। आलाखंड जो है विश्व की सबसे लंबी कविता मानी जाती है। कैसे, विश्व की सबसे लंबी कविता मानी जाती है, कौन सी, आलाखंड। याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी कविता और आलाखंड अगर ऑप्शन में है तो आप आओ आंसर टिक कर दें आलाखंड। ठीक है, इसमें 52 खंड है और याद रखने वाली बात यह है कि आलाखंड है किसकी, तो लोक कवि जगनिक की। याद रहेगा आप लोगों की कितनी बात है। चल अगली बात है सिंगाजी। सिंगाजी
ये निमाड़ क्षेत्र से, निमाड़ भी आपको मध्य प्रदेश में पता है ना, निमाड़ ये वाला रीजन है। तो जो निमाड़ है वो सिंगा जी का है ना, खंडवा खरगोन बड़वानी ये वाला, तो ये निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख संत से मैंने पहले भी इनके संबंध में पढ़ा दिया है। इनको निमाड़ का कवि भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं निमाड़ का कवि बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन बनता है निमाड़ का कवि इनमें से किसे कहा जाता है और ऑप्शन में है सिंगा जी, तो आप आंसर टिक करेंगे उसे। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो जन्म हुआ है बड़वानी में, ठीक है। सिंगा जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो बड़वानी है, यहाँ पे जन्म हुआ है। चलिए आगे इनकी रचना देख लेते हैं हम। तो इनकी रचना है एक बारहमासी, बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। कौन सी रचना है, बारहमासी, और एक है 15 तिथि। कौन सी, 15 तिथि। एक है बारहमासी, दूसरा है 15 तिथि, ठीक है, याद रहेगा आपको, भूलेगा तो नहीं यहाँ से। कौन सी दो रचना है, बारहमासी एवं 15 तिथि, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर। अब है लोक कवि घाघ, ठीक है। लोक कवि घाघ ये अकबर के समकालीन थे, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, अकबर के समकालीन थे, है ना। इनकी रचना क्या है, घाघ बहादुरी, घाघ बहादुरी की इनकी रचना है, ठीक है। तो घाघ अकबर के समकालीन है, इनकी रचना घाघ बहादुरी है। चलो यहां तक क्लियर। चलो अगली बात है ईसुरी, ईसुरु लोक कवि ईसुरी, आपने नाम सुना होगा। इनका जन्म हुआ था झांसी जिला के मैंदकी गांव में, ठीक है, झांसी जिला के मैंदकी गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली यूपी से, लेकिन क्योंकि इन्होंने काम किया है बुंदेलखंड क्षेत्र में, इसलिए इनको मध्य प्रदेश का ही माना जाता है। तो इनका जो पूरा नाम है वो है हरताल ईसुरी, इनका पूरा नाम क्या है, हरताल ईसुरी, ठीक है, क्लियर है वहां तक बात। चलो इनकी रचना क्या है, ईश्वरी की फाग, ईश्वरी प्रकाश। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो अपने नाम से ही है, कहीं ना कहीं इनका संबंध अपने नाम से है। तो ईश्वरी प्रकाश या ईश्वरी की फाग अगर आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये रचना जो है ईश्वरी की है, ठीक है। हरताल ईश्वरी इनका पूरा नाम था, ठीक है। झांसी जिले के मैंदकी गांव में इनका जन्म हुआ था, याद रहेगी इतनी बातें। अब जो है हमने लोक साहित्यकार ज्यादा नहीं थे, तीन चार लोक साहित्यकार थे, हमने देख लिया है जगनिक, देख लिया सिंगा जी, देख लिया घाघ, देख लिया और ईसुरी देख लिया, ठीक है। अब जो देखेंगे वो साहित्य कला से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में, उसके संबंध में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो रविंद्र भवन पहला इनका, रविंद्र भवन, ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई है ध्यान रखना, रविंद्र भवन, पहली बात तो ये है कि भोपाल में, कहाँ पे है, भोपाल में, बहुत अच्छे से याद रखें, रविंद्र भवन कहाँ पे है, भोपाल में। स्थापना कब हुई, 1884 में, आपको याद ही रखना है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जितनी भी संस्थाएं पहले भी पूछी गई हैं, या तो उनकी स्थापना पूछी गई है या तो उनका लोकेशन जो है जहाँ पे वो स्थापित है उससे क्वेश्चन बने। और दूसरी बात ये है कि अगर आप 21 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी 3 मार्कर में क्वेश्चन इस टाइप से लिखा आ सकता है रविंद्र भवन के विषय में। तो कम से कम आप स्थापना, लोकेशन और उसके उद्देश्य बता पाएंगे तो अपने आंसर को पूर्ण कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला है रविंद्र भवन, इनकी स्थापना कहाँ हुई, 1884 में भोपाल में, ठीक है। उद्देश्य क्या है, किस लिए स्थापित हुआ, तो विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक तथा कलात्मक क्रियाकलाप है उसको देखता है ये, कैसे, विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक शैक्षणिक एवं कलात्मक क्रियाकलाप है उसको देखने का काम रविंद्र भवन करता है। कब स्थापना हुई, 1884
1964 में कहाँ स्थापना हुई, तो भोपाल में हुई। इतनी बातें याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलो अगली बात, मध्य प्रदेश कला परिषद। मध्य प्रदेश कला परिषद स्थापना कब हुई, तो 1952 याद रखेंगे आप लोग। 1952 में मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना हुई, कहाँ पे हुई, तो भोपाल में हुई, ठीक है। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना भोपाल में हुई, 1952 में हुई, ठीक है। और मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना का उद्देश्य क्या था, कि राज्य में संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में और ललित कला के क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, तो उसको बढ़ावा देने का काम कौन करता है, मध्य प्रदेश कला परिषद, जिसकी स्थापना 1952 में हुई और कहाँ पे हुई, तो भोपाल में हुई। याद रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे यहाँ तक, मध्य प्रदेश कला परिषद स्थापना 1952 भोपाल, है ना। संगीत नृत्य नाटक ललित कला के क्षेत्र में जो प्रोत्साहन देने का काम है वो करेंगे, मध्य प्रदेश कला परिषद का काम है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद अगला है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 1954 में, कहाँ हुई, तो भोपाल में हुई, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में हुई, कहाँ हुई, तो भोपाल में हुई। ठीक है, उद्देश्य क्या है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का, 1954 याद रखेंगे आप लोग, सॉरी स्थापना और भोपाल में इसकी स्थापना हुई, वो याद रखें। उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश में हिंदी जो साहित्य है उसको प्रोत्साहन देना एवं संरक्षण के हेतु नए रचनात्मक एवं आलोचनात्मक साहित्य का प्रकाशन करना, समझ रहे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद साहित्य से संबंधित है, तो साहित्य के क्षेत्र में ही कुछ काम कर रहा होगा। स्थापना 54 में याद रखेंगे, भोपाल। अब हिंदी साहित्य, मैंने बोला साहित्य के क्षेत्र, तो हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देना एवं संरक्षण प्रदान करना, पहली बात तो ये। और साथ ही साथ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक कला एवं आलोचनात्मक जो साहित्य है उसको प्रकाशन करने का काम जो है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद करता है। बहुत सारी किताबें निकलती हैं तो उनमें इनका संबंध रहता है कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद ने इसको प्रकाशित किया है, ठीक है। याद रहेगा यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, आप थोड़ी तबीयत खराब है, माफी चाहूंगा। अगला है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। स्थापना याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, 1969, ठीक है। और ज्यादातर भोपाल में है, तो ये भी उसी की तरह भोपाल में है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 जो है इसकी स्थापना हुई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस संस्था का जो कार्य है हिंदी में विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करना। आपको पता है कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से ही जो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम है उसमें पाठ्य सामग्री तैयार करता है, ठीक है, क्लियर है। बीए, एमए, बीएससी, एमए, एमकॉम, है ना, इन सब चीजों का।
चलिए अगली हमारी एकेडमी है मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, मैं लगातार बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 1976 में इसकी स्थापना हुई मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी, कहाँ पे? तो भोपाल में, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 भोपाल, ठीक है। उर्दू साहित्य व संगोष्ठी को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। उर्दू साहित्य एवं संगोष्ठी को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। चल अगला जो हमारा है वो है कालिदास अकादमी, कौन सा है? कालिदास अकादमी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कालिदास के नाम पे स्थापित हुआ 1978 में। कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई? 1978 में, कहाँ पे? तो वही भोपाल में। आपको स्थापना की डेट याद रखनी है बहुत अच्छे से। ज्यादातर जो साहित्य से संबंधित एकेडमी है, कला से संबंधित है, वो ज्यादातर की भोपाल में ही है ना, तो उसको अगर ना भी याद रखेंगे तो आप भोपाल टिक करेंगे, मैक्सिमम आप सही पाएंगे अपने आप को, लेकिन आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। तो कालिदास अकादमी की डेट है 1978 जब इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या है? तो कालिदास एवं संस्कृत की गौरवपूर्ण जो कृतियां हैं को विश्व की भाषा में अनुवाद करना एवं उसका प्रकाशन करने का जो कार्य है वो किया जाता है, ठीक है। कालिदास अकेडमी 1978 भोपाल में, कालिदास एवं संस्कृत की गौरवपूर्ण जो कृतियां हैं है ना, उनके विश्व की भाषा में, अन्य जो भाषाएं हैं में अनुवाद करना एवं प्रकाशन करने का जो काम है, ठीक है, वो कौन करेगा? कालिदास अकादमी, ठीक है। 1978 कहाँ पे? भोपाल में। चलो अगला है हमारा भारत भवन। भारत भवन इसकी स्थापना कब हुई है? तो याद रखेंगे 1982, कहाँ पे हुई है? तो भोपाल में, ठीक है, 1982 भोपाल में, याद रहेगा यहां तक। कब स्थापित हुआ? 1982 में। कौन सा? भारत भवन, है ना। चलो उद्घाटन किसने किया? तो इंदिरा गांधी ने, याद रखेंगे, उद्घाटन किसने किया भारत भवन का? इंदिरा गांधी ने। कब किया? 1982 में। ये सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि भारत भवन के वास्तुकार कौन थे, किन्होंने इसको बनवाया है, बनाया है एक प्रकार से, तो चार्ल्स फूरिये, ये आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। भारत भवन 1982, इंदिरा गांधी इसका उद्घाटन की थी, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी, और इसके वास्तुकार आप याद रखेंगे चार्ल्स कोरिया थे। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी सिंधी साहित्य अकादमी, ठीक है, स्थापना भी याद रखेंगे 1983, कहाँ पे? भोपाल में। इसका उद्देश्य क्या है? तो हिंदी में, सिंधी में, उर्दू में, पंजाबी का एक जो मंच है ना, उसके लिए कविता, कहानी, जो पाठ इत्यादि है, उस क्षेत्र में काम करता मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी। हिंदी, सिंधी, उर्दू, पंजाबी के एक मंच पर एक कविता, कहानी, पाठ आदि का काम जो करता है, कौन करता है? हिंदी साहित्य एकेडमी, ठीक है। फिर है अगला मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी, मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी, ठीक है। इनकी स्थापना 1985 कहाँ पे? भोपाल में, ठीक है, कहाँ पे? भोपाल में। कब? 1985 में। चलो इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है वो संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देना है। किसके लिए? संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जो अकादमी का व्याख्यान है उसमें व्याख्यान है, परिचर्चा, समारोह, पुरस्कार आदि का जो आयोजन है संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देने के, उसके लिए कर्म करने का जो दायित्व है वो संस्कृत अकेडमी का, ठीक है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985 भोपाल, ठीक है। अकादमिक व्याख्यान, परिचर्चा, समारोह, पुरस्कार आदि का आयोजन जो करने का काम होता है वो किसका है? वो है मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी का, ठीक है। यहां तक क्लियर है?
आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको आंसर करना है फटाफट। मध्य प्रदेश में जो छिप्रा नदी है, छिप्रा नदी आपने सुना ही होगा, है ना। छिप्रा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है, आपको फटाफट आंसर करना है। फटाफट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन। मध्य प्रदेश में छिप्रा जो नदी है वो कहां से निकलती है। मैं ही बता देता हूँ आपको, जिन्होंने आंसर किया उसके लिए तो बहुत बढ़िया, मतलब वो लोग अपना रिवाइज कर रहे हैं चीजों को। जो छिप्रा नदी है वो आपको इंदौर के पास में काकरीबाड़ी पहाड़ी है, काकरीबाड़ी पहाड़ी वहां से निकलती है ना। याद होगा आप लोगों ने, जिन्होंने ज्योग्राफी वाला पूरा सेक्शन पढ़ा होगा, हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी से मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देने के बाद, उन्हें ये बात पता होगी अच्छे से। चलो अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी उसकी स्थापना कब हुई, तो 1987। बहुत अच्छे से याद रखें, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी कब स्थापित हुई है, तो 1987 में। कब, भोपाल में। कहाँ पे, भोपाल में। याद रखें मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी स्थापना 1987 भोपाल। इसका उद्देश्य क्या है, तो तुलसी साहित्य का प्रचार प्रसार करना उस उद्देश्य है मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी। याद रखेंगे आप लोग 1987 भोपाल, तुलसी साहित्य का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। और आखिरी एक संस्था है भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकेडमी, भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकेडमी इसकी स्थापना जो हुई 2013 में हुई। कब हुई है, 2013 में हुई। याद रखेंगे आप लोग, भोजपुरी एवं पंजाबी भाषा के विकास के लिए इस अकादमी का जो है गठन किया गया, ये गठन है। तो गठन जो हुआ है वो पंजाबी भाषा और भोजपुरी भाषा के विकास हेतु किसका गठन किया है, भोजपुरी पंजाबी साहित्य अकेडमी 2013, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख जो सृजन पीठ है उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख सृजन पीठ, पहली बात तो ये है कि ये है निराला, निराला सृजन पीठ। याद रखेंगे पहली सृजन पीठ है निराला, और सृजन पीठ से क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, 2017 या 18 में सृजन पीठ पूछा गया है, शायद 2019 में भी पूछा गया। ये है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में,
याद रखेंगे आप बहुत अच्छे से। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में कौन सी है? निराला सरस्वती पीठ, ठीक है। चलो दूसरी है एक और सृजन पीठ, प्रेमचंद्र सृजन पीठ, ये है विक्रम विश्वविद्यालय, कहाँ पे? उज्जैन में, ठीक है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। पहली है निराला सृजन पीठ, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, फिर है प्रेमचंद्र सृजन पीठ, विक्रम विश्वविद्यालय वो उज्जैन, फिर है गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ, ठीक है। जो मुक्तिबोध सृजन पीठ है वो है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी है सागर में। तो ज्यादातर जो सृजन पीठ है वो आपकी यूनिवर्सिटी में स्थापित है, ठीक है। तो आप याद रखना, पहली है निराला सृजन पीठ, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, दूसरी प्रेमचंद सृजन पीठ, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, तीसरी महत्वपूर्ण सृजन पीठ है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में मुक्तिबोध सृजन पीठ, चौथी है सृजन पीठ सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। और सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध मैंने पहले ही बताया, जबलपुर से है। सॉरी, तो जो जबलपुर है वहां पे है सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। और आखिरी जो सृजन पीठ है वो तुलसी सृजन पीठ है, और ये चित्रकूट में प्रस्तावित है। तो ये जो महत्वपूर्ण सृजन पीठ थे ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? समझ में आई या नहीं आई चीजें? तो हम लोगों ने जो पूरा का पूरा टॉपिक था, लगभग 2.5-3 दिन में इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। काफी बड़ा टॉपिक था ये, पूरा साहित्यकार, साहित्यकार से संबंधित जो कृतियां हैं, संस्थान है। प्राचीन देख लिया हम लोगों ने, मध्यकालीन, आधुनिक, और आज हमने लोक साहित्यकार। साथ ही साथ हम लोगों ने आज जो है जितनी भी सृजन पीठ है, जितने भी एकेडमी है, वो भी आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आज खत्म हो जाता है। कल हम नेक्स्ट कोई टॉपिक देखेंगे। अभी कला संस्कृति चलेगा कुछ दिन, उसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी है आपको, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने मित्रों तक। ज़्यादातर लोग जो भी MPSI MP पटवारी की तैयारी, उनके लिए भी क्लास लाभप्रद रहेगी, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब